हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू आवर आवर चैनल। चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। ओके, और मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है चिंकी और ये है चिंकी टू भावेश। और आज जो वीडियो है देखने वाले हैं वो है गीगा मॉल इस्लामाबाद। हमने एक वीडियो किया था मनु और हम दोनों ने, जो सबसे बेस्ट मॉल है पाकिस्तान के, तो उसमें से एक सजेशन आया था कि एक पर्टिकुलर मॉल को इतना डिटेल में उस वीडियो में बताया नहीं गया था। तो एक वीडियो है गीगा मॉल इस्लामाबाद का, तो ये देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, तो शायद इसके अंदर का कुछ व्यूज़ है ना, ये उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो देखते हैं कि वहाँ का जो मॉल्स हैं वो कैसे हैं, क्योंकि यहाँ के मॉल तो हम देखे हुए हैं, क्यों चिंकी? यस। तो वहाँ के मॉल का क्या रहे, मतलब डिटेल में वहाँ का क्या एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा हम। ठीक है, तो चलिए मिलकर देखते हैं, स्टार्ट करें। ओके, 1 2 3। लार्जेस्ट मॉल इन इस्लामाबाद। ओके, मतलब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है। वाकई में बड़ा भी है। मिनी मिनी गुड। ओके, शॉप्स काफ़ी अच्छा। नहीं सपोर्टर है लेकिन ये तो वो है क्या, डॉल्स। वाओ, ये बाहर जो सिल्वर और सिल्वर के अंदर जो ग्लास हैं ब्लू कलर के, वाकई में एक मतलब एक ऐसा लग रहा है कोई शिप हो नहीं जो धरती पर आ गया हो, समुंदर से काफ़ी दूर शिप खड़ा मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? इस्लामाबाद में। शिप का नाम है गीगा। ये गीगा नाम क्यों रखा है प्लीज़ बताना, कोई स्पेशल पर्पस या फिर ऐसे ही? इसके ऊपर सीढ़ी नहीं है। हाँ, ये रैंप टाइप है। हाँ, वो सीढ़ी से फिर वो गिरने का बहुत लोगों को रहता है ना, काफ़ी लोगों के पैर पड़ते नहीं या फिर स्लिप हो जाते, तो लेकिन ये ठीक है, कंसेप्ट ठीक है। अगर कोई यहाँ से गिरेगा तो भी ऊपर ही जाएगा, बाकी सीढ़ियों से गिरने वाला अगर सीढ़ियाँ ऊपर भी जा रही है तो वो नीचे आएगा। ये सही कंसेप्ट है, वो नीचे आने का चांस थोड़ा कम रहेंगे, वो अपने आप को संभालेगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को, एक प्लेन तो देखा है मैंने, ये चीज़ नहीं देखी। शॉप, थिएटर भी होगा ना यार, इतना बड़ा होगा। नहीं, वाकई में बहुत बड़ा यार, है नहीं? सेलिब्रेशन इतना बड़ा थोड़ी है। ओए, इतना बड़ा मॉल। ओए, मेरे को जाना है। चिंकी, तेरे को जाना है क्या? चिंकी को भी जाना है। सैमसंग स्टोर, खवातीन जा रही है शॉपिंग करके घर पे। ओ, मैं ये लेके आई, मैं वो लेके आई, तू क्या लाई, मैं ये लाई, ऐसे करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वाओ, ये चीज़ सही लगी मेरे को। ये तो चल रहे हैं ऊपर। हाँ, तो चल, तो आप वॉक कर सकते हो ना। हाँ, वॉक करने के लिए जाओ। चलो, ये थोड़ा आराम फरमा रहे हैं वहाँ पर, तो ठीक है। वहाँ पर किसी को पीछे से जल्दी हो तो उसके लिए थोड़ी जगह रखनी चाहिए ना। सही। कितने फ्लोर हैं इसमें? क्योंकि ये तो कम से कम 5-6 फ्लोर होंगे ना। वो काफ़ी बड़ा है, रियल में काफ़ी बड़ा है। काफ़ी, कितनी स्टोर्स होगी यहाँ पर? इतने बड़े मॉल की एयर कंडीशनिंग करना, ये करना वाकई में चैलेंजिंग रहता है। अल्ट्रा क्लब, बॉडी शॉप, टैग, काफ़ी शॉप्स हैं। ये मेरी शॉप।
रही है। लाइटिंग की वजह से हो रही है या फिर कैमरे की वजह से हो रहा है रिफ्लेक्शन? ये सब औरतों की चीज़ें ही है बस, आदमी भी होता क्या है? औरतें औरतें देखें वाकई में यार, बाहर से जितना सुंदर है अंदर से वो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शॉप्स खाली है या फिर कहीं शॉप दिखी नहीं है, सारी शॉप ओपन है और सब में खाली कहीं नहीं दिख रही है। हमारे यहाँ पे मतलब जो मॉल्स में काफ़ी शॉप्स बंद हो जाती है, कोई लेता नहीं है, पर यहाँ तो सारी ओपन है, पब्लिक भी अच्छी खासी है। कोरोना की के टाइम की है, मास्क पहन रखा है लोगों ने। ये फूड कोर्ट टाइप है ना, कैन बॉन्ड क्या है, ये इधर जाने का रास्ता बता रखा है। पिलर्स का भी खूबसूरत है ना, वाकई में यार कितना बड़ा है यार। नहीं नहीं ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ऊपर आया ना ये, तो ऊपर आ गए थे क्यों? नहीं नीचे वाला है। ये गए ना इसलिए पता नहीं, मैं नहीं गया हूँ ना इसलिए। साया किसका साया? काफी शॉप से सेल मिल रही 40%। चलो वो एक कौन सा मॉल है ना, उसमें मतलब पैसे दे के एंट्री होती है, 300 रुपये फीस है अंदर जाने की, और फिर आप उस अगर कुछ ख़रीदारी करते हो तो वो 300 रुपये उस प्रोडक्ट में हाँ ऐड कर देते हैं उसमें, ताकि मतलब फालतू के लोग नहीं आए। होता है ना ऐसे मन चले घूमने फिरने वाले आ जाते हैं बस, कि भाई चलो क्या करें, चलो घूम के आ रहे हैं, हाँ बस ऐसे आ जाते हैं कुछ। तो वो कौन सा, यही मॉल है या फिर कराची का कोई मॉल है? टर्मोलॉजी का मीनिंग गुड चारकोल। एंटिक एंटिक नेम है ना शॉप्स के, चारकोल स्पोर्ट्स प्लस। वाह ये पूरा मॉल है नी, ये छत है ऊपर, ऐसा लग रहा स्विमिंग पूल हो जाए नहीं यार, वाकई में यार है ना अल्टीमेट है। ऐसा मॉल तो नहीं देखा मैंने, मतलब मैं बाकी हमारे ही मॉल है वही गए हैं। हमारा सेलिब्रेशन मॉल भी अच्छा ही है, इतना बुरा तो नहीं है, पर ये बहुत बड़ा है। से अपना जो मॉल है वो अगर बड़ा हो तो वो भी अच्छे लगे, ये वाकई में बहुत बड़ा है। इसमें काफ़ी स्टोर्स हैं, यहाँ पे कुछ कुछ खाने का बन रहा है, खुशबू आ रही है मेरे को दरबारी। ये फूड कोर्ट आ गया शायद, सब इधर खाने पीने की चीज़ें मिलेगी आपको, आइसक्रीम पिज्ज़ा बर्गर। सब अरे 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 छोटी बेबी के मास्क है। चलो लोग फॉलो कर रहे हैं जो गाइडलाइंस है कोरोना की, काफ़ी लोगों के हैं भी हैं, खाना खा रहे हैं तो वो क्या लगाएंगे, अगर तो ये पूरा खाना का ही है ना, जब खाने की चीज़ मिलती है। ये आया है यहाँ पर, लाइटिंग थोड़ी चेंज है ऊपर, मैकडी आ गया है। बर्गर कितने का मिलता है वहाँ पर PKR में? बड़ा स्मॉल साइज बिग साइज आलू टिक्की, अपने आलू टिक्की 35
सबसे सस्ता वही होता है, हम ज़्यादा तो वही खाते हैं। आइसक्रीम खाई जा रही है। वाओ वाओ वाओ, कत्ल हो गया आइसक्रीम का। टॉय ट्रेंस बच्चों के लिए, गीगा मॉल लिखा है ऊपर, गीगा मॉल एक्सप्रेस स्टूडियो। यार ऐसा लग रहा है मॉल के अंदर ही है अपन, काफ़ी देर से ऐसे लग रहा है मॉल के अंदर ही आ गए, बस बस कहीं कुछ खा नहीं पा रहे हैं बस। क्या करें अब, वहाँ चले भी जाएंगे अभी अभी अचानक वहाँ चले भी जाएंगे तो पाकिस्तानी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, इंडियन करेंसी लेंगे नहीं ना। वाकई में यार, वाकई में बहुत बड़ा है। यहाँ तो है मसीडी हो गई काफ़ी लोग हैं ना, तो संडे का दिन होगा शायद, वीकेंड्स के टाइम पे आए होंगे सब घूमने के लिए। तो कौन किस किस ने यहाँ पे शॉपिंग की है प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सी शॉप्स हैं। ये वापस वही आ गया, ये ऊपर है देख ट्रेन, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो गीगा मॉल का, इसमें जिसने भी वीडियो बनाया उसने अपने कुछ राय नहीं रखी है, कुछ ब्लॉगिंग नहीं की है, तो वो होता तो शायद थोड़ा और बेहतर होता, पर फिर भी चलो हमने भी उस हिसाब से उसके साथ साथ चल दिए, हम भी उस साथ साथ में देखा। तो हाँ बहू सारी दुकानें खुली थी। अच्छा मैंने देखी नहीं यार, मुझे बंद दिख रही थी। और खाने का सब अलग था, अलग था, सेम नहीं था, अलग अलग था। और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ नहीं बोला है, बोला ठीक है। और जिंकी बहुत बढ़िया है, मेरे को तो लग रहा है मैं शॉपिंग करने जाऊँ भी। हाँ सही है, पैसे हैं है। तो फ्रेंड्स ये था गीगा मॉल, वाकई में बहुत खूबसूरत है। बाहर से कैसा लगा? बाहर से अच्छा था और अंदर से उससे भी अच्छा था। मतलब बाहर से अपन जो बाहर से देखते हैं ना, तो अंदर से उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अंदर कुछ अच्छा ही मिलेगा, तो अंदर जाके मायूसी नहीं होती है। वाकई में बहुत बड़ा है इसका, मतलब इसका एरिया कितना है और इसमें कितनी शॉप्स है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और जो इस मॉल में गया है ना वो बताना, और आपने क्या क्या ख़रीदा है वहाँ से, परचेस क्या क्या है, और वहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ मिलती है और उनकी क्या रेट है। हाँ प्राइस, मैं मैकडी की प्राइस पूछी मैंने। चलो ये तो आप बताना, क्योंकि ये तो और भी कोई चीज़ हो जो स्पेशल हो यहाँ की, आप प्लीज़ बताना यहाँ पे फैसिलिटी क्या है और कितनी शॉप्स है क्या है। ऑलमोस्ट आप गए होंगे सब जने जो वहाँ रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक है वहाँ उस हिसाब से गए होंगे। तो फ्रेंड्स और भी कोई वीडियोज़ हो जो कराची मॉल का हो या फिर लाहौर में कोई मॉल का हो जो डिटेल में बताए, और वो आप बताना। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा मॉल है जिसमें अंदर जाने की फ़ीस है 300 रुपये पर पर्सन, तो वो मॉल कौन सा है वो बताना, क्या ये वही मॉल है या कोई दूसरा मॉल है। ओके फ्रेंड्स तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पसंद नहीं आया वीडियो तो चिंकी को रिपोर्ट कीजिए। ओके तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।